अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पिंग जून। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एडमोब अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर एड यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हेल्पिंग जून, तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे हो गया कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको admob.com लिख देना है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करते हो या फिर PC, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद अगर आपके पास अकाउंट नहीं है जीमेल अकाउंट, तो आप यहाँ से जीमेल अकाउंट बना लीजिएगा। और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है तो फिर यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको जो पुराना टैब है वो कट कर दें, फिर उसका काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो एडमोब है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से मेरा पहले का अकाउंट जो है वो लॉग इन है, मैं इसको लॉग आउट कर लूँ। अब आपके पास एडमोब का अकाउंट जब मांगेंगे, तो आपको जब आप साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास जीमेल अकाउंट नहीं है, तो मैं कोई भी एक दूसरा अकाउंट जो है डाल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है लेकिन उस पर एडमोब अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं वो अकाउंट डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने वो अकाउंट डाल दिया, सॉरी, और यहां से मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। जब आप अपना कोई भी जीमेल अकाउंट डालेंगे इसके अंदर, इसके ऊपर एडमोब का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आपको एडमोब का अकाउंट कैसे बनाना है मैं वो यही इसके अंदर बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको जब आप अपना जीमेल अकाउंट डालेंगे तो ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी कंट्री है पाकिस्तान, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से जो टाइम जोन है वो कराची है मेरा, तो यहाँ से मैं कराची सिलेक्ट कर लूँगा। और बिलिंग करेंसी जो है वो US डॉलर है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप सारी रीड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रीड की हुई है। तो मैं इसके ऊपर मार्क कर दूंगा और क्रिएट एडमोब अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे वेट करना है थोड़ा सा, और इसके बाद सारी दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुझे एग्री करने को बोल रहा है। तो मैं यहाँ से सबके ऊपर यस के ऊपर मार्क कर दूंगा। अगर आप चाहें इनको रीड करना तो आप रीड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से फिर हमको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से जब आप सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और फिर आप अगर उसके ऊपर टेक्स्ट के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर वॉइस कॉल से वेरीफाई करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो आपका एडमोब अकाउंट के इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। मेरे को अपना न्यू अकाउंट नहीं बनाना, मेरे पास ऑलरेडी एडमोब अकाउंट है तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को कट कर देता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे जो ऑलरेडी एडमोब अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करके जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ पैसे वगैरह दिखे होंगे, तो अभी मेरे पास ये सिर्फ 0.60 डॉलर है, 0.16 डॉलर है मेरे पास अभी। तो आपको इसको अभी इग्नोर करना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मेरे पास शो हो रहा है। आपके पास सब कुछ खाली शो होगा। फिर आपको अपना ऐप कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बन गया आपका एडमोब अकाउंट। अब इसके अंदर आपको अपना एड यूनिट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने तीन ऐप ऑलरेडी चल रहे हैं तो मैं इनको एक बार इग्नोर करूँगा। तो आपके पास ये कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड ऐप का, तो आपको ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कोई पब्लिशर आईडी है या नहीं है प्ले स्टोर के लिए, तो फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपके पास पब्लिशर आईडी है तो आप यस कर दीजिए, तो मैं नो कर दूंगा। और उसके बाद मुझसे पूछेगा मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नेम, या फिर आप ISO बनाना चाहते हैं तो ISO भी बना सकते हैं। तो ISO के लिए अगर बैनर ऐड या फिर कोई भी ऐड यूनिट बनाना है आपको, तो आप ISO को मार्क करेंगे। और अगर आपको एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो आप एंड्रॉयड के ऊपर मार्क करेंगे। तो मुझे एंड्रॉयड पर बनाना है तो मैंने एंड्रॉयड के ऊपर मार्क कर दिया। अब इसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ, टेस्ट ऐप। तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इस तरीके से आपका जो ऐप है यहाँ पे एडमोब के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसके ऐड यूनिट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट ऐड यूनिट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला है बैनर ऐड, दूसरा है इंटरेस्टेड ऐड, और तीसरा है रिवॉर्डेड ऐड। तो अगर आप बैनर ऐड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट के ऊपर बैनर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी चाहें वो नाम दे सकते हैं, तो अपने ऐड यूनिट को, जैसे कि इसका नाम बैनर है तो मैं इसको बैनर ही दे दूंगा।
बैनर वन, क्रिएट एड यूनिट, और यहाँ से फिर क्रिएट अनदर एड यूनिट। तो यहाँ से इंडस्ट्रियल एड बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड का नेम लिख दूंगा। यहाँ से इंडस्ट्रियल वन लिख दिया मैंने और क्रिएट एड यूनिट। अब इसके बाद मुझे एक और एड बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद मुझे रिवॉर्डेड एड बनाना है तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और रिवॉर्डेड एड का जो हमारा नेम है वही दे देंगे। तो मैं रिवॉर्डेड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रिवॉर्डेड वन लिख दिया। वन लिखना जरूरी नहीं है, बस आपकी एड यूनिट की पहचान के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं नेम। तो बस यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है इसको, और यहाँ पे क्रिएट एड यूनिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका सारे जो तीनों एड यूनिट हैं मैंने आपको बना के दिखा दी। अब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये एड यूनिट को लगा सकते हैं और वहाँ पे अपने ऐड शो करवा सकते हैं। तो अब मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको फ्री AIA फाइल दी है जिसके अंदर आप ये बैनर एड्स को लगा सकते हैं, इंटरेस्टेड एड को लगा सकते हैं, इन दोनों ऐड का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो रिवॉर्डेड ऐड भी लगा सकते हैं। उस AIA फाइल को डाउनलोड कीजिए और MakeRoid के ऊपर ऑन कीजिए, वहाँ पे ये बैनर ऐड अपने कॉपी कीजिए और वहाँ पे जहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है मेरी एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है वहाँ पे ये ऐड यूनिट पेस्ट कीजिए। जो ऐड यूनिट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली ऐड यूनिट होती है, आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कॉपी हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। अब इंटरेस्टेड ऐड है जहाँ पे इंटरेस्टेड ऐड लगा हुआ तो वहाँ पे ये चीज़ कॉपी करके लगानी है, जहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड की जगह है तो वहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड लगाना है, और जहाँ पे बैनर ऐड लगा हुआ है तो वहाँ पे बैनर ऐड यूनिट लगा देना है। तो इस तरह से आप अपना बैनर ऐड बना सकते हैं, इंटरेस्टेड ऐड बना सकते हैं, रिवॉर्डेड ऐड बना सकते हैं। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं बनाने के, सेम तरीका है। और एडमोब अकाउंट कैसे बनेगा आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई बात नहीं आई है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की और उस बात का हल बताने की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।